हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हमने चिकन पुलाव बनाया है बिल्कुल इजी मेथड से। वन पॉट बनाया है कुकर में इजी मेथड के साथ। अब बैचलर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इस मेथड से आप बनाएंगे तो आपके चावल खुले खुले बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 ग्लास बासमती राइस लिए हैं, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस 2 ग्लास लिए हैं। इसी मेजरमेंट से हम पानी डालेंगे। इन्हें अच्छे से हम 3-4 पानी से धो लेंगे। 3-4 पानी से अच्छे से मैंने इसे हल्के हाथों से वॉश कर लिया है। इसे आधे घंटे तक हम भीगने के लिए रखेंगे। कुकर में ऑयल डाल लिया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। थोड़े से गरम मसाले हम उसमें डाल लेंगे। काली मिर्च, लौंग, इलायची, शाही जीरा और थोड़ा सा जावित्री ली है और छोटा सा एक बादियान का फूल लिया है। 2 बे लीव्स डालेंगे। अब हम 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है वो डाल लेंगे। खड़े मसालों को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा वो चटक जाए ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी अनियन। अगर आपको पुलाव का कलर डार्क होना है तो इसे और थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। अगर आपको लाइट पसंद है तो इतने में ही आप डाल सकते हैं। मैंने 1/2 किलोग्राम चिकन लिया है, वो इसमें डाल लूँगी। मैंने इसे मैरिनेट नहीं किया है, आप चाहे तो मैरिनेट कर सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छे से चलाते हुए ऑयल में हमें इसे भून लेना है। देखिए चिकन का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हम उसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से हम भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, अब हम दही ऐड करेंगे। 1 कटोरी मैंने छोटी कटोरी दही लिया है वो डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे, वो भी इसके साथ अच्छे से भून जाएंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर है ये। 1.5 चम्मच में नमक डालूंगी, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। 4 हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 50% तक हम चिकन को यहीं पर गला लेंगे। भूनते हुए अच्छे से वो 50% तक गल जाएगा। हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना डाल लेंगे। हरा धनिया डालेंगे। लगभग हमारा पुलाव का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये अच्छे से भुन जाए बस हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम पानी ऐड कर लेंगे। 2 ग्लास मैंने राइस लिए हैं तो 1 ग्लास राइस के लिए 1 ग्लास और 1/4 ग्लास पानी लेंगे। 1 ग्लास डाला है और इतना डालूंगी, ऐसे ही और 1 डालूंगी। 1 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, पुलाव मसाला है बिरयानी पुलाव मसाला वो 1 चम्मच डालूंगी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को बॉईल आने तक ढाँक देंगे। देखिए पानी हमारा बॉईल हो रहा है, हम इसमें राइस डाल लेंगे। राइस का पानी अच्छे से हम निकाल कर डालेंगे। अगर इसका पानी इसमें जाएगा तो राइस हमारे खुले खुले नहीं बनेंगे। हल्के हाथों से एक बार उसे मिक्स कर लेंगे। हमें चावल डालने बस ज़्यादा चलाना नहीं है, बस एक बार फिर थोड़ा सा ढाँक लेंगे। खोल कर हम चेक कर लेंगे। देखिए हाई फ्लेम पर मैंने थोड़ी देर तक पकने के लिए रखा था। जो पानी थोड़ा सा बचा है, मैं ज़्यादा इसे चलाना नहीं है बस, और थोड़ा ये पानी सूख जाए हम लेड को लगा लेंगे। 1/2 लेमन का जूस हम डाल लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी मैंने टेस्ट कर देखा है, सब कुछ करेक्ट है। अब हम लेड को लगा लेंगे। देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है, अब हम लेड लगा लेंगे।
मैंने लिड लगाकर एक मिनट तक हाई फ्लेम पर रखा था, फिर फ्लेम को मैंने लो कर लिया था। 5 मिनट तक दम के लिए रखा था, फिर फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। 15 मिनट हो चुके हैं ऑफ कर हम चेक कर लेंगे। लीजिए, हमारा चिकन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इजी मेथड से, सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।